जय माता दी। सभी सनातन प्रेमियों को जय सिया राम। दुर्गा पूजा 2024 में रांची के मुख्य पंडालों में से एक रांची रेलवे स्टेशन में दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका थीम है आदि योगी। यहाँ पे जो दुर्गा पूजा पंडाल का जो प्रवेश द्वार है वो केदारनाथ के थीम पे बनाया जा रहा है, जिससे आपको प्रवेश करके माता रानी के दर्शन के लिए अंदर जाना है। जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, थर्माकोल से पत्थरों का आकृतियाँ बनाई जा रहा है, और यहाँ पे दीवार में 200 शिवलिंग से दीवार को सजाया जाएगा, और यहाँ पे स्थापित होंगे नंदी जी, भव्य नंदी जी का प्रतिमा बनाया जाएगा, और सामने कोयम्बटूर में स्थित भगवान शिव की जो प्रतिमा है, आदि योगी जी का प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5 मिनट के लिए लेजर लाइट शो भी चलाया जाएगा, और जो कि संध्या 6 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप भोलेनाथ के दर्शन करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे पूजा पंडाल का निर्माण प्लास्टिक के बोतलों से और लकड़ी और डिस्पोजल गिलास और पत्तल के से किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। मिट्टी से बने घंटा का निर्माण किया जा रहा है, वो आपको ऊपर में देखने को मिलेंगे। इस घंटे से यहाँ पे सजाया जाएगा। इस पूजा पंडाल में इस बार माता रानी विराजमान होने वाली है, जिनकी प्रतिमा लगभग 2 लाख की होने वाली है, और यहाँ पे योग का संदेश देते हुए अभय मुद्रा में माँ दुर्गा विराजमान होगी। पंडाल में चूड़ियों का भी उपयोग करके बहुत ही आकर्षक रूप दिया जा रहा है, और यहाँ पे डिस्पोजल गिलास और प्लेट से बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनाई जा रही है। देख सकते हैं कितना अच्छा डिस्पोजल गिलास और प्लेटों से आकृतियों को बनाया गया है, सजाया गया है, और इस पूजा पंडाल में हर वर्ष लकड़ियों से विशेष आकृतियाँ बनाई जाती है। काफ़ी भव्य यह पूजा पंडाल होने वाला है, और रांची के भव्य पूजा पंडालों में से रांची रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल निर्माण किया जा रहा है। पूजा समिति के लोगों ने बताया है कि आप इस पूजा पंडाल के दर्शन चतुर्थी के दिन से ही कर सकते हैं, अगर कार्य अच्छे से हो पाया तो, और माता रानी का दर्शन आप षष्ठी के दिन बेलवरण पूजा के बाद कर सकते हैं। लेजर लाइट वगैरह जिस दिन पूजा पंडाल खुल जाएगा उसी दिन से शो चलेगा, जो कि 5 मिनट के लिए शो चलाया जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर से बताएं, और कमेंट में सभी के लिए जय माता दी लिखें। मिलते हैं ऐसे ही यही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।